यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्रोड्यूस। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेल रहे हैं GTA 5। सो गाइस, आज हमारे पीछे पुड़ी की पुड़ी F5 भी फोर्स पीछे पड़ चुकी है और पुलिस भी पड़ चुकी है, क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर के घर से चोरी की थी गाड़ी, जो कि बहुत ही महंगी गाड़ी थी। इस वजह से हमारे पीछे पड़ चुकी है पुलिस, वो भी 5 स्टार पुलिस। भाई साहब, पूरे लोग पुलिस हमारे इस टाइम पीछे पड़ी हुई है, और इस टाइम माइकल बहुत ही परेशान है। सो गाइस, अभी हम सीधा भागते हैं, मारते हैं इन हेलीकॉप्टर को। तेरी ऐसी भाई साहब, पूरी लॉस सैंटोस की पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है, और अभी हमने एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। और ये देखें, इस पुलिस वालों की गाड़ियाँ भी तो भाई कर देते हैं। भाई साहब, हमारी लैम्बोर्गिनी रेंज पर कुछ नहीं होना चाहिए, और चाहे जो मर्जी हो जाए पुलिस वाली गाड़ियों का, लेकिन हमारी लैम्बोर्गिनी रेंज पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो गाइस, हमने सारी पुलिस की वाली गाड़ियाँ की तबाह कर दी हैं, और FIB वाली की गाड़ी की जो गाड़ियाँ हैं वो भी हमने तबाह कर दी हैं, और सीधा भागते हैं भी लैम्बोर्गिनी रेंटो में। यार मुझे तो लग रहा है हम मुश्किल ही बच के निकल सकते हैं अगर। सो गाइस, अभी हमने लेस्टर को फ़ोन किया था, लेकिन लेस्टर कह रहा है हमारे पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं। लेस्टर भी अपना घर छोड़ के भाग गया है, जो कि उसका लेस्टर का घर था, जो कि हम उसको खरीद के लेके दिया। और जो ट्रैवल की बात है, ट्रैवल भी भाग चुका है अपने गाँव में, वो भी छुप के बैठ चुका है। और जो फ्रैंकलिन की बात है, फ्रैंकलिन जो अभी अपने घर में ही बैठा हुआ है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है फ्रैंकलिन को बताने का, इसलिए अभी हम फुल स्पीड में भाग रहे हैं। भाई साहब, ये तो अच्छी बात हो गई है कि हमारे लैम्बोर्गिनी रेंटो में बूस्टर लगा हुआ था, उसकी वजह से हम फुल स्पीड में भाग सकते हैं। भाई साहब, हमारी लैम्बोर्गिनी रेंटो इस टाइम फुल स्पीड में भाग रही है, और पुलिस वाली गाड़ी आती है, हम उसको फुल ठोक के रखते हैं। भाई साहब, ये भी अच्छी बात है कि हमारी लैम्बोर्गिनी रेंटो जो बुलेट प्रूफ कार है, वो बहुत ही अलग कार है। तो गाइस, अभी हम सीधा भागते हैं लॉस सैंटोस बाहर भागना होगा। अगर हम एयरपोर्ट में पहुंच सकते हैं फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, अगर हम एयरपोर्ट में नहीं पहुंच सके और अब इन्होंने हमारा एंटर नहीं करने दिया भाई साहब, ये तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। अभी हमने पुलिस से छुटकारा पाना होगा भाई साहब, हमें छुपना होगा बहुत ही सीक्रेट जगह में। अगर हमने पुलिस से छुटकारा पाना है तो हमें बहुत ही सीक्रेट जगह में छुपना होगा। तो गाइस, अगर ये इसी तरह ही हमारे पीछे पुलिस पड़ी रही तो हमारा कुछ अगर ये कितना भी कर सकते हैं भाई साहब, इसलिए ये राज भी कर सकते हैं। इसलिए हमें फुल स्पीड में गाड़ी भगानी होगी और इनसे बच के कहीं ना कहीं निकलना ही होगा। भाई साहब, ओ भाई साहब, हमारी गाड़ी उलट के गिर गई है, मैं तो गया। भाई साहब, हमारे लिए बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि हम आपको सामने हैं, ये 5 साल पुलिस पड़ चुकी है, और ये पुलिस वाले की तेरी ऐसी की तरफ। भाई साहब, इसको गन मारते हैं। ओ भाई साहब, तेरी ऐसी की तरफ। भाई साहब, अब ये पुलिस वालों की गोली मारनी होगी यार, हमारे पास गोलियाँ भी कम रह गई हैं, और जो पुलिस है हमारे पीछे 5 स्टार पड़ी हुई है। भाई साहब, हमारे पीछे 5 स्टार की पुलिस पड़ी हुई है, और अभी हमें बचने के अलावा कोई और चारा नहीं है। भाई साहब, FIB हमारे पीछे आ चुकी है और गोलियां हमें मारी हैं, लेकिन अभी हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब। सो गाइस, अब ये जो FIB वाले हैं, हमने इनको भी नहीं छोड़ना, और आगे जो FIB वाली पुलिस जो खड़ी हुई है, हमने इसको भी नहीं छोड़ना। तेरी ऐसे की तैसी। भाई साहब, हमें किसी को भी नहीं छोड़ना, इनके सर पे हेडशॉट मारना है। लेकिन ये अभी अगर इन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया तो ये तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी, हमसे सारा पैसा हमें निकलवा लेंगे और सारा कुछ हमसे निकलवा लेंगे। भाई साहब, पुलिस वाली की गाड़ी पकड़ते हैं और सीधा निकलते हैं। भाई साहब, हमारी लैम्बोर्गिनी रेंटो तो पीछे रह गई है, लैम्बोर्गिनी रेंटो तो पीछे रह गई है। अब ये जो पुलिस वाली गाड़ी हरी हुई है, हम इसको पकड़ के सीधा भागते हैं। भाई साहब, सो गाइस, अभी हम सीधा चलते हैं। सो गाइस, अभी हम सीधा चलते हैं लैम्बोर्गिनी रेंटो अभी छोड़ के सीधा पुलिस वाली गाड़ी में बैठ के, क्योंकि आपको पता पुलिस वाली गाड़ी बिल्कुल प्रूफ होती है, इस पर ही बैठ के हमें भागना होगा। भाई साहब, इसके अलावा तो हमें कोई चारा नहीं, अगर इन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया तो भाई साहब बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, अरेस्ट मैंने फ़ोन किया था, लेसर तो यही किया था भागने के अलावा तो गाइस, मैंने टावर को भी फोन किया था, टावर भी कह रहा था कि मैं गांव में भाग लेता हूँ, तो फ्रेंड ने मुझे इसको टाइम नहीं मिला फ़ोन करने का। सो गाइस, ये बात है, और अभी हमने सीधा पक कर लिया पुलिस वालों की गाड़ी, और हमारे पीछे फुल स्पीड में पुलिस पड़ चुकी है। बॉयस साहब, ओ भाई साहब, सीधा हमें फुल स्पीड में भागना होगा यार, एक तो पुलिस वालों की गाड़ियाँ इतनी ही स्लो चलती हैं। भाई साहब, अगर पुलिस वाली लैम्बोर्गिनी होती तो बहुत ही अच्छी बात होती। सो गाइस, अभी हमें इसे काम चलाना होगा और फौरन फुल स्पीड में भागना होगा। भाई साहब,
सो गाइस तभी हमें फुल स्पीड में भागना होगा। अगर हमें हमारे पीछे पुलिस इस तरह ही तो पड़ी रही तो मार ले तो बहुत ही परासी लगेगा। सो गाइस अभी हमारे पीछे 2000 पुलिस बच, बाकी जो 3000 पुलिस थी वो बच गई हैं हमारे से, मतलब के जो है। सो गाइस अभी इस तरह ही काम चलता रहा तो ये तो बहुत ही प्यारा काम हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया 5000 पुलिस पढ़ना बहुत ही प्यारा काम होता है। अभी जो 2000 बिंग कर रहे हैं इसका मतलब हमारे पीछे पुलिस छूटने लगी है। अगर पुलिस छूट गई थी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, अगर ना छूटी तो ये बहुत ही बुरी बात होगी। सो गाइस अभी हम सीधा भागते हैं भाई साहब। सो गाइस अभी हम सीधा भागते हैं इधर लॉस सैंटोस से। इस टाइम ये बहुत ही अच्छा टाइम है, अगर हमारे पीछे फिर से पुलिस लग गई किसी भी एक गाड़ी ने देख ली तो भाई साहब बहुत ही प्यारा सीन है देखा। सो गाइस अभी हम फुल स्पीड में भागते हैं लॉस सैंटोस से बाहर और देखते हैं यार पुलिस से बच सकते हैं कि नहीं। सो गाइस अभी तो हमारे पीछे पुलिस छूट चुकी है, मुझे तो लग रहा है यार थोड़ी देर बाद भी पड़ सकती है पुलिस। सो गाइस अभी हम भागते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं यार पुलिस पड़ती है कि नहीं। सो गाइस बहुत ही बड़ा सीन हो चुका है हमारे साथ कि हमारे पीछे पुलिस फिर से पड़ चुकी है, पूरी 5000 पुलिस पड़ चुकी है भाई साहब, हमारे पीछे पीछे आ रही है। मुझे लगता है अब अरेस्ट करना ही होगा भाई साहब इन्होंने, मुझे लगता है भाई साहब हमारी गाड़ी उलट चुकी है, अभी हमें बाहर निकल के अरेस्ट कर देना ही होगा, सरेंडर करना ही होगा और इनसे हमारा बड़ा पाना ही होगा, वरना बहुत ही बड़ा सीन हो जाएगा हमारे साथ। सो गाइस अरेस्ट दे दिया हमने। सो गाइस अभी हमने अरेस्ट कर लिया था पुलिस, सरेंडर कर लिया था पुलिस वालों के साथ और इन्होंने मुझे थाने ले आए हैं और मुझे जेल में बंद कर दिया है और साथ ही साथ ये जो गंदे बंदे चोर हैं किसी काम के ना काज के इनके सामने छोड़ दिया भाई साहब। एक ही देखे सीटअप कर रहा है और एक बेचारा इधर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है भाई साहब। सो गाइस अगली वीडियो में हम बाहर निकल जाएंगे, एस्केप कर लेंगे, होपफुली लेसर हमारी मदद करे। लेसर कह रहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा निकलने की, अभी हमने लेसर से फ़ोन में बात की थी, लेसर कह रहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही करूंगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं लेसर मदद करता है कि नहीं करता। अभी जो फ्रैंकलिन है मुझे लगता है उसको भी किडनैप कर ही लिया होगा।